लगारी साहब, ये जो माशी अदम इस्तेहकाम है, आपकी नज़र में इसका हल क्या है? क्या फौरी इलेक्शन की तरफ जाना, या अभी भी मशवरा दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि नहीं आप एक साल कंटिन्यू करें, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या बेहतर हल है? देखें, मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी हद तक रियलाइजेशन पाई जाती है कि जनाब हमें इन मुश्किल हालात में इख्तदार नहीं संभालना चाहिए था, और अगर ये बात उनके वसी हलकों में मौजूद है तो उनके लिए हमारा क्या, उनके अपनी जमात के लोगों का मशवरा ये है कि जी अलग हो जाएं इख्तदार से, और नतायज जो हैं वो आने वाले भुगतें, या वो खान आदम के हवाले कर दें, जिस तरह इख्तदार लिया उसी तरह उनके वापस कर दें और कहें कि जनाब आप आ जाएं और आप इस मुल्क को खुद संभालें। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का तो क्या ये होगा? जो तीन चार महीने का अप्रैल बलूचिस्तान हुकूमत कुर्बानी देगी एक साल की? नहीं, मैं नहीं समझा हूँ आप क्या फरमा रहे हैं। सर, अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर असम्बलियां भी तहलील करनी होगी ना, क्योंकि सुबाई और कौमी असम्बली दो असम्बलियां, दो असम्बलियां उनकी अपनी हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो असम्बलियां उनकी अपनी हैं। अभी पंजाब में हो जाएंगे चौधरी परवेज इलाही वजीर आला, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान है, और दुनिया भर में ऐसा होता है कि सूबों में और वफाक में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, बल्कि ये भी पता चलता है कि कई कई साल का फर्क होता है सूबों के और वफाक के इलेक्शन में, तो करा लें इस दफा, दो सूबे अपने पास उनके वैसे ही मौजूद हैं, वफाक में आ जाएं और खुद इलेक्शन करवा के खुद दोबारा आ जाएं सर, और अगर सूबों को आए तो फिर गवर्नर राज लगा दें और वहां पर भी इलेक्शन का रास्ता निकालें, इमरजेंसी लगा लें। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।